हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बनारस पर। मैं मौजूद खिड़किया घाट पे। और दोस्तों आपको बता दूं कि आज जो कि माँ गंगा का जलस्तर बहुत भयानक बढ़ चुका है, जिसके कारण आपका जो कि नमो स्टेचू डूबने लगा है और साथ में आपका खिड़किया घाट भी आपका पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है, जल समाधि ले चुका है। तो चलिए दोस्तों आपको पूरा मंजर दिखाता हूँ। तो दोस्तों वीडियो बने रही, वीडियो चला तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों आपको बैक कमरे से वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने नमो स्टेचू है और दोस्तों आप देख सकते हैं माँ गंगा का जलस्तर फिर बढ़ा हुआ है, जिसके कारण आपका नमो स्टेचू फिर डूबने लगा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सामने कुछ बच्चे गंगा स्नान भी कर रहे हैं और यहाँ पर जो कि गंगा स्नान मना भी है तब भी लोग मान नहीं रहे हैं और यहाँ पर आके गंगा स्नान कर रहे हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने आपका राजघाट मालवी पुल है। और दोस्तों आपको बता दो कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, जहाँ कुछ लड़के बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपका 3-4 दिन पहले पानी नहीं था, लेकिन आज दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह पानी आपका पूरा यहाँ तक बढ़ चला है और धीरे धीरे जो कि बढ़ने के क्रम में है। और दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, सामने आपके जो कि आपका CNG स्टेशन है, आपको वहाँ का भी नज़ारा दिखाऊंगा, तो वीडियो बने रहिएगा। और दोस्तों आपको इधर दिखा दूं तो आप देख सकते हैं आपका नमो स्टेचू जो कि अब बहुत तेजी में डूब रहा है। तो माँ गंगा कितना तेज लहर यहाँ पर आ रहा है आप देख सकते हैं। देखिए इसमें गंगा में कितना तेज उफान मचा हुआ है। और दोस्तों आपको बता दूं कि माँ गंगा इस दुगने रफ्तार से बढ़ रही है। और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए आपका जो कि लहर भी उठ रहा है। और दोस्तों आपको यहाँ से पूरा नजारा दिखा दूं तो आप देख सकते हैं आपका जो कि पूरा घाट इसमें जो कि जलमग्न हो चुका है। और दोस्तों आपको उधर दिखा दूं तो उधर आपका जो कि फेज 2 का कार्य चल रहा है, वो जो कि इसमें पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर आपका जो कि बाढ़ का पानी आ चुका है और जब बाढ़ जाएगा तब फिर से कार्य शुरू होगा। देखिए तो आप देख सकते हैं इसके पीछे जो कि आपका पानी था, लेकिन अब जो कि आगे हो गया है और धीरे धीरे जो कि बढ़ने के क्रम में है। और अब यहाँ पर देख सकते हैं माँ गंगा कितना तेज यहाँ पर लहरें उठ रहा है। देखिए कैसे सीढ़ियों से टकरा के पानी वापस जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, आपको आगे का नजारा दिखाते हैं। इधर का नजारा देख सकते तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपका जो कि पूरा पानी पानी हो गया है। और दोस्तों आपको उधर देखा हो तो उधर आप देख सकते हैं जहाँ पर आपका फेस्टिव का कार्य चल रहा है, उधर भी आपका पानी पहुँच चुका है, जिसके कारण कार्य को रोक दिया गया है और जब फिर पानी कम होगा तो कार्य शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर से खिड़किया घाट का पूरा नजारा और धीरे धीरे आपका जो कि नमो स्टेचू अब डूबने लगा है। और आपको बता दूं कि माँ गंगा फिर से जो कि बढ़ने लगी है। और दोस्तों आप देख सकते सामने माँ गंगा और इधर आपको दिखा दूं कि इधर आप जो बसेरा देख रहे हैं ये पहले जो कि आधा डूबा हुआ था, लेकिन अब जो कि आधे से ज्यादा ये डूब चुका है। और दोस्तों आपको इधर दिखा दूं तो इधर मैं जहाँ पर आपका खिड़किया घाट पर स्टेडियम बना हुआ है उस वाले सेक्शन में हूँ, आपको वहाँ का नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो कि अब धीरे धीरे पानी फिर बढ़ने लगा है और ये देखिए आपका जो कि यहाँ तक पानी पहुँच चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाव भी चलने लगा है। और दोस्तों आप ये बसेरा जो देख रहे हैं, ये बसेरा आपका जो कि आधा डूबा हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपका आधे से ज़्यादा ये डूब चुका है, अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है और ये भी जो कि आजकल में डूब जाएगा। बता दूं पानी जिस तरह बढ़ रहा है तेजी में, लगता है कि आजकल में ये भी आपका डूब जाएगा।
और दोस्तों आपके सामने है सीएनजी स्टेशन और यह इस समय जो कि आपका यहाँ से संचालन बंद है क्योंकि नावें चल नहीं रही हैं। और दोस्तों ये आपका जो कि जेटी पे बना हुआ है ये डूबेगा नहीं, ये धीरे धीरे आपका जो कि ऊपर बढ़ते चला जा रहा है पानी के साथ साथ। और आप देख सकते हैं इस समय आपके मालवी पुल पे ट्रेन भी जा रहा है। और दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इस समय खिड़किया घाट के ऊपर वाले हिस्से में हूँ जहाँ पर आपका फूड कोर्ट बनाया गया है। और देखिए अभी भी ये दुकानें बंद है, देखिए ये कब चालू होता है। देखिए दोस्तों इस समय माँ गंगा कितना तेज बह रही हैं, आप देख सकते हैं नज़ारा माँ गंगा का। और माँ गंगा इस समय जो कि उफान पे है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं आगे और आगे चल के आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा घाट जो कि आपका डूब चुका है। और यहाँ पे देखिए जो लाइट भी लगाए गए थे लाइट वाले खंभे, ये भी देखिए आपका धीरे धीरे जो कि डूब चला है। और आपका सामने जो बसेरा है ये भी आपका डूब गया है जहाँ पे लोग बैठा करते थे। और दोस्तों आपको दिखा दूँ कि आपके ठीक सामने आपका सीएनजी स्टेशन है। और यहाँ पे देखिए आपका जो कि इस समय नाव जो कि सीएनजी गैस भरा नहीं रहे हैं क्योंकि इस समय जो कि नाव को पूरी तरह का संचालन बंद कर दिया गया है। और दोस्तों आप इधर देख सकते हैं, देखिए माँ गंगा कितना उफान पे इस समय है, देखिए कितना तेज लहरें इस समय चल रही है माँ गंगा की। आप देख सकते हैं इसमें पुल के नीचे से कितना तेज पानी की लहरें जा रही हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे और आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले पानी आपका जहाँ पर नाव है ये छोटा वाला नाव, उसके आगे आपका पानी था लेकिन आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर तक पानी चला गया है और माँ गंगा बहुत तेजी में बढ़ रही है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। तो मैं इस समय राजघाट पुल के नीचे हूँ और सामने आप जो पिलर देख रहे हैं यहाँ पर आपका जो कि मीटर बनाया गया है। और धीरे धीरे देखिए आपका ये डूब रहा है। हाँ माँ गंगा इसमें जो कि खतरे के निशान से एक आधा मीटर नीचे हैं। ये लाल निशान आप देख रहे हो ये जो कि आपका खतरे का निशान है, माँ गंगा इसमें उस निशान से आधा मीटर नीचे बह रही हैं। और लगता है कि एक दो दिन में माँ गंगा इसे भी पार कर देंगी। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं आगे और आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। और दोस्तों अब हम चल रहे हैं अब राजघाट की तरफ और आपको राजघाट का पूरा नज़ारा दिखाऊंगा, तो दोस्तों वीडियो बने रहिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका पूरा घाट जो कि पूरे तरीके से आपका डूब चुका है। और यहाँ पे देखिए अब इसमें घाट का नामो निशान नहीं है, पूरे तरीके से जलमग्न हो चुका है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको आगे भी ले चलता हूँ, आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें जो कि माँ गंगा का वाटर लेवल यहाँ तक आ चुका है और देखिए यहाँ पर सीढ़ियों तक पानी पहुँच चुका है। और नीचे पूरा जो घाट का निर्माण किया गया था वो पूरे तरीके से आपका जलमग्न हो चुका है और इस समय वो विलुप्त हो चुका है पूरी तरीके से। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको आगे ले चलता आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देखिए किनारों को नाव को ला के बांध दिया गया है क्योंकि इस समय इसका संचालन बंद है पूरे तरीके से।
और दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर मछली भी मार रहे हैं, आप देख सकते हैं। और दोस्तों आप आगे देख सकते हैं पुल के नीचे से देखिए कितना तेज माँ गंगा का लहरें बह रही हैं, और माँ गंगा इस समय उफान पर है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इस समय राजघाट पे मौजूद हूँ और सामने आपके रविदास मंदिर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा आपका देखिए पूरा जो कि जलमग्न हो चुका है, पूरी तरीके से घाट डूब चुका है, आप देख सकते हैं चारों तरफ माँ गंगा का जल दिख रहा है इस समय खाली। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो कि आपका डूब चुका है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं आगे, आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा नज़ारा, तो आप देख सकते हैं चारों तरफ आपका पानी पानी दिख रहा है, और इस समय सारा घाट जो कि बनारस का 84 घाट इस समय जल समाधि ले चुका है। देखिए माँ गंगा कितनी तेज इसमें बह रही हैं, आप देख सकते हैं। और दोस्तों आपको इधर का नज़ारा दिखा दूँ, तो इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आप नाव को किनारे पर रखा गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस बल का बोर्ड भी रखा गया है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए आपका पूरा जो कि पानी धीरे धीरे जो कि ऊपर के हिस्से में बढ़ रहा है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो चला तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, हर हर महादेव।